Hello guys, welcome back to my channel. I've seen that my last vlog got a hitting around 4,500 views on it. Thank you guys for giving me such good views on my last channel. And now guys, basically today's vlog is going to be very good, very interesting. Today we're going to meet a very famous YouTuber. His name is Fakir from Fakir Riders. Okay, so हम लोग जाएंगे, उससे मिलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे. और भाई, अगर आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करो, हिट द आइकॉन एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट फकीर. हाउ डू यू नो हिम? इफ यू नो हिम, वेरी गुड. एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो दैट what do you think about that? Should I become like Fakir or should I not? Okay, let's go. मुझको एक्चुअली आपका आइडिया के हिसाब से, आपकी रूट के हिसाब से पहचान में आ गए थे आप इधर आने वाले इसी टाइम. हमारे साथ इधर मिस्टर फकीर है. सर, वेयर इज योर दिस बनू? बनू बनू से आपकी मुलाकात होगी 17 जून को. ओके, अभी तुम गाड़ी से हो? फ्लाइट से आए हो? ओके सर. आप राइड करते हैं रेगुलर? यस सर, आई डू ऑलवेज व्लॉगिंग एवरी डे. व्लॉगिंग? ओह, यस सर. क्या चैनल का नाम क्या है? आजी बाइकर. आजी बाइकर? यस. ओके, व्लॉग कर लो. अच्छा सर, सर वही कर रहा हूँ अभी. अच्छा, तो तुम खुद ही बोलते जा रहे हो, उसमें ऐसा है क्या? मैं एक्चुअली टाइटल्स ले लिखता हूँ. एक साल में कितने सब्सक्राइबर हो गए? 1000. ठीक है, उसको बचाना. नो सर, आई जस्ट ओनली नो यू ओनली सर. मेरे लड़के हैं. अच्छा, बोले सर. अभी हम लोग कल तो निकलेंगे या दोनों जने यहाँ से, और पूरा लद्दाख का सर्किट करके आएंगे. ओके ओके. मैं एक्चुअली मैं बस गोवा की ट्रिप करके आ रहा हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिल रहा हूँ. Thank you.
सर ही इज देर एंड ही इज वेरी बिग फैन ऑफ योर्स एंड बहुत टैलेंटेड बंदा है. इसका टैलेंट अगर आप जानना चाहते हो तो बेस्ट चीज़ क्या है कि इसको अगर मटन वगैरह ऑर्डर करना होता है तो ये बेसिकली आता है, घर से नीचे उतरता है, गाड़ी का एसी ऑन करता है, उसके बाद से ऑनलाइन मटन ऑर्डर करता है और फिर ये घूम के आता है. सो ही इज वेरी टैलेंटेड. तो ये आपसे मिलना चाह रहे थे बस. अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन मेरे से क्यों इंस्पायर है इस चीज़ के लिए वो मेरे को बताओ. ब्लॉगिंग शुरू कर रहा ना इसलिए. सारे के सारे कोई भी बंदा आगे निकल आए मैं अंदर से अपने वैसे ही मानता हूँ पहले जैसे ही. इसको तो पूरा आइडिया लग गया है, कोई मैं एटीट्यूड दिखाता ही नहीं. सबसे पहले तो एक बात पूछूँगी, जैसे मैं भी अभी एक नया ब्लॉगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो आप शूट कर लो. नॉर्मली वैसे शूट मैं कर ही रहा हूँ. अच्छा कर रहे हो. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई भी जैसे नया क्लोथिंग कोई भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है तो क्या चीज़ आप एडवाइस करेंगे, क्या करना चाहिए ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के लिए. वो अभी मैं इस बात कर रहा हूँ. सबसे पहले तो होता है ना कि हम ब्लॉगिंग कर क्यों रहे, करने का रीज़न क्या है. और हमारी उस पर अगर हम कर रहे हैं तो लाइक जैसे हम लोग कमर्शियल पैटर्न में आगे जा रहे हैं कि मैं आगे जाके ब्लॉगर ही बनना है. और ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो मोस्टली ये भी करते हैं कि बस शुरू कर दिया है, कंटेंट के हिसाब से कर लेते हैं, चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो भी ठीक है, होता है चलो सब कुछ इन लाइट तो फ्री में बन जाती है, वीडियो मोबाइल वोबाइल में अच्छे कैमरे होते हैं तो शुरू कर ही देते हैं हम लोग. कुछ लोग यही सोच के भी करते हैं. कुछ लोग ये होते हैं कि जैसे हम किसी शादी में गए या किसी राइड में गए या किसी इवेंट में गए अपनी मेमोरी कलेक्ट करने के लिए वीडियो बना देते हैं. सब तरीके से सारे काम होते हैं. तो तुम्हारा एग्जैक्टली क्या सोचना है? मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली ब्लॉगर ही बनता. मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब जहाँ पर भी जाता हूँ राइडर हम सब घूमते रहते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया कंट्रीज. मैं चाहता हूँ कि सारी जगह में मतलब जैसे एक कैमरे में कैमरे के थ्रू सबको सारे के सारे वो सीन्स और सारी जगह दिखाऊँ. बहुत अच्छा है. तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके का है कि तुम जो देख रहे हो वो चीज़ और भी लोग देखें. मतलब तो जो भी तुम्हारी नज़र से गुजर रहा है उसको तुम कैमरे की नज़र से देखो, तो जो भी तुम्हारे साथ जाते हैं दिखा. और सर दूसरा आपसे दूसरा टिप्स लेने थे कि मैं कैसे अपनी ब्लॉगिंग इम्प्रूव कर सकता हूँ. कभी वेरीफिक अभी मैंने तुम्हारे ब्लॉग्स देखे नहीं है, तो देखने के बाद अगर मैं दूंगा टिप्स तो ज़्यादा वैल्यूबल रहेंगे. और अगर इन जनरल गए तो कॉन्फिडेंट हो. और एक टैग मेरा बहुत फेमस है, बी सिंपल बी नेचुरल. ब्लॉगिंग दूसरों के लिए मत करो, अपने लिए करो. अगर जितना नेचुरल रहोगे उतना लोग तुम्हें पब्लिक अप्रिशिएट करती है. ऐसा अभी लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं कहीं से सिंपल नज़र नहीं आता, तो ये उनकी प्रॉब्लम है कि मैं सिंपल नज़र नहीं आता. लेकिन मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसको मैं नेचुरली जो हो रहा होता है सब पब्लिक के सामने ही हो रहा होता है. किसी को दिखाने के लिए कुछ करता ही नहीं. मेरी लाइफ इतनी कलरफुल है तो मैं क्या करूँ. ट्रू करेक्ट. सर आपको अपना चैनल बता दूँ? हाँ श्योर राइट नाउ. बहुत बात कर रहे हैं है ना, चार्जर बैठे हुए. तो जो भी पब्लिक डील कर रहा होगा या पब्लिक से बात करना इसे आता होगा तो वो सोचेगा कि लास्ट जो बंदा बैठा है वहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच जाए. लेकिन जो नॉर्मल बंदा होगा जिसको नहीं पता है, जैसे तुम जिस टोन में बात कर रहे हो धीरे ही कर रहे हो, तुम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचो. लेकिन जब तुम ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो होता है कि दोनों की बातें पूरे ग्रुप तक शेयर हो. दूसरे जब हम कैमरे वगैरह के सामने आते हैं थोड़ा एनर्जी अगर बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब तक एनर्जी होगी नहीं तो एनर्जी स्प्रेड कैसे होगी. तो एनर्जी स्प्रेड नहीं होगी तो लोग तुम्हें देखेंगे. अगर लोगों को तुम्हें देखने के बाद में एनर्जी फील हुई नहीं रही, उन्हें एकदम डलनेस ही लग रहा है,
फोटो में इमोशंस की बात जा ही नहीं, वो तो लोग तुम्हें देखेंगे। तो इसीलिए जो अच्छे एक्टर होते हैं या अच्छे ब्लॉगर होते हैं, तो जब भी वो कैमरे के सामने आते हैं तो प्रिपेयर होकर आते हैं। अगर वो सोने वाला सीन भी कर रहे हैं तो भी एनर्जी पूरी लेके फिर सोएंगे। कैमरे के अंदर सोने वाला सीन भी एनर्जेटिक लगे, एक एक फ्रेम जो होता है उसमें एनर्जी होनी चाहिए। आई बस अभी सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगा। हाँ कोशिश मतलब धीरे धीरे शुरू करोगे तो हो जाएगा। ब्लॉगर तो तुम बन ही जाओगे, बस ये उसको कंटिन्यू करते रहो। उसको भी ये रहता है मतलब कुछ नहीं, अभी से तुम्हारा उस पर जो चेहरा देखा था अभी वाला चेहरा है, तो अभी वाला चेहरा ज़्यादा ठीक है, उसमें तो डर लग रहा है। जब भी वो वीडियो मेडिकल से ज़्यादा पुराना नहीं होगा और उसमें टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो पीछे ही देख लिया करो कि पीछे परछाई अवॉइड हो जाए। जब फ्लाइट जलाते ना तो दीवार तो थोड़ा आगे आ जाए, पीछे परछाई जाएगी ना तो पब्लिक उस पर इंटरेस्ट नहीं आता। परछाई ऐसे क्रिकेट स्टेडियम में नीचे चार पाँच होती है ना, वही देखने में अच्छी लगती है खिलाड़ियों की। बाकी पिक्चर में अगर परछाई आएगी तो कौन देखेगा? थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान दो। और कुछ? Beats.